श्रावण मास में विशेषकर भक्तों के द्वारा शिव की आराधना की जाती है, क्योंकि शिव ही शक्ति का स्वरूप है। शिवादि है तो शिव ही अनंत है, शिव ही सृष्टि के रचयिता हैं तो पालन करता है, शिव कण कण में समाये हैं। शिव की भक्ति के लिए श्रावण मास का विशेष महत्व रहता है और हर कोई भक्त भोले बाबा की भक्ति में पूरे श्रावण मास में लीन नजर आ रहे हैं। साथ ही क्षेत्र के शिव मंदिरों में भक्तों के द्वारा कांवड़ यात्रा के साथ रुद्राभिषेक अनुष्ठान व भजन संध्या के भव्य आयोजन पूरे श्रावण मास में होंगे। वहीं शाजापुर जिले के पोलायकला तहसील के अंतर्गत क्षेत्र के प्रसिद्ध पांडवकालीन हिमालेश्वर धाम मोटा केवड़ी पर श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा, क्योंकि यहाँ ये मंदिर आस्था के साथ साथ चमत्कारों का भी पर्याय बन चुका है। यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास के समय रात्रिकालीन विश्राम कर अपना समय बिताया था और स्वयं शिव पिंड की स्थापना करके अपने गंतव्य की ओर निकल गए थे, जो आज भी साक्षात शिव में विराजित है। मंदिर के पास साधु संतों की जीवंत समाधियां भी भक्तों को मंदिर की ओर आकर्षित करती हैं। जो भी भक्त भोले बाबा के दरबार में अपनी मन्नत लेकर आते हैं, भोले बाबा उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। मंदिर के नाम से वैसे तो शासकीय रिकॉर्ड में 2 बीघा भूमि दर्ज है, लेकिन मंदिर के आसपास शासकीय 26 एकड़ भूमि है, जिसमें पक्षियों की चहचहाट और वन्य जीव चारों तरफ फैली हरियाली कहीं ना कहीं क्षेत्र में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अब भोपाल इंदौर से लेकर पूरे मध्य प्रदेश से नागरिक बाबा के दर्शन करने घूमने के लिए आते हैं, लेकिन इस मंदिर को लेकर विगत कई वर्षों से लगातार ग्रामीणों और आसपास क्षेत्र के श्रद्धालुओं के द्वारा जनप्रतिनिधियों से पर्यटन के क्षेत्र में निर्माण कार्य करने की गुहार लगाई। आज तक जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटकों के लिए कुछ भी कार्य यहाँ नहीं हुआ, जबकि यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए घाट निर्माण से लेकर रात्रि विश्राम हेतु धर्मशाला पिकनिक पॉइंट भी बनाए जा सकते हैं। हिमालेश्वर समिति के कोषाध्यक्ष दौलत सिंह दांगी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जनप्रतिनिधियों को यहाँ की समस्याओं को लेकर कई बार अवगत कराया, लेकिन सिर्फ आश्वासन व मंच से घोषणा के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पुलाय कला से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।